Hello everyone, good afternoon. It's been quite a while that I haven't come up with new videos. So I'm working on these videos. I was occupied somewhere, so I couldn't do that. So aaj ek video leke aaya hu, and the video ka naam hai the female reproductive cycle. Females ke andar, when they achieve this sexual maturity, what are the events that are taking place inside their bodies, inside their gonads, inside the uterus, kya kya events body ke andar chal rahe hote hain, usi ka hum log you can say the female reproductive cycle ke naam se jante hain, right? Aur ye female reproductive cycle jo hai, isko control karne ke liye, isko regulate karne ke liye kuch hormones hote hain body ke andar. So first hum log unko samajhne ki koshish karte hain ki how these hormones, they are taking care of the events taking place inside the body. कैसे ये जो हॉर्मोन्स का सिक्रीशन है, कैसे यूट्राइन चेंजेस को और कैसे आपके ओवेरियन चेंजेस को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट फर्स्ट, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ओवेरियन साइकिल एंड द यूट्राइन साइकिल, राइट? और इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल. वेल, एज यू आर क्वाइट फेमिलियर विद दिस, फीमेल व्हेन अ फीमेल चाइल्ड इज बॉर्न, शी इज ऑलरेडी पजेसिंग इमेच्योर फॉलिकल, जिसको आप ओसाइट्स के नाम से जानते हो. एंड दीज ओसाइट्स, दे कैन अंडरगो द process of development and proliferation to become mature ovum, right? But इनको control करते हैं कुछ hormones that are secreted by certain glands inside our body that are situated in your brain. First कौन सा gland होता है आपका? Hypothalamus, जिसको आप लोग supermaster gland के नाम से जानते हैं. So let's have a look at the feedback mechanism, how it is being controlled and taken care of. Let's have a look. So hypothalamus is the name of the gland that is going to release a hormone called as gonadotropin releasing hormone, GnRH. और ये जो हार्मोन है, after getting released into the blood, this is going to act on the pituitary gland. और pituitary gland के anterior portion से दो हार्मोन secrete होंगे, जिनका नाम है follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. Well, follicle stimulating hormone क्या करेगा? ये follicles को stimulate करेगा ovary के अंदर, उनकी development के process में help करेगा. और इसके साथ साथ एक और काम करेगा, ये आपके जो follicles हैं उनको push करेगा, उनको एक feedback देगा, so that they can secrete another hormone called as एस्ट्रोजन. एक और हार्मोन सीक्रेट करेगा जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी ओवरी के ऊपर एक्ट करेगा और दूसरा हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन. एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन टुगेदर दे आर कॉल्ड एज सेक्स हार्मोन्स. और क्यों बोला जाता है इनको सेक्स हार्मोन्स? व्हाट डू दे डू? दीज सेक्स हार्मोन्स, दे आर टेकिंग केयर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल्स. इमेच्योर फॉलिकल्स को डेवलप करने में हेल्प करेंगे, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे. प्लस इसके साथ साथ जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, यूट्रस की डेवलपमेंट, यूट्रस की मेंटेनेंस, और भी जो सेक्सुअल एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है, जो चेंजेस होते हैं आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी, उन सब की टेक केयर करेंगे दीज सेक्स हॉर्मोन्स. वेल, ये जो सेक्स हॉर्मोन्स है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, दे आर गोइंग टू इन टर्न रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी. पिट्यूटरी के जो सिक्रीशन है, दैट इज योर LH एंड FSH, इनको कौन कंट्रोल करेगा? आपके सेक्स हॉर्मोन्स. वेल, दिस इज कॉल्ड एज अ फीडबैक मैकेनिज्म. जब किसी हॉर्मोन की कमी होगी या किसी हॉर्मोन की एक्सेस होगी, तो दिस इज हाउ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव फीडबैक इज बीइंग टेकन केयर ऑफ, राइट? सो चलिए शुरू करते हैं विद आवर फर्स्ट साइकिल, दैट इज आवर ओवेरियन साइकिल. एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल, ये दोनों इवेंट्स कंकरेंट होते हैं, साइमल्टेनियसली इवेंट्स चल रहे होते हैं, दे आर गोइंग ऑन टुगेदर. सो वी शुड नॉट बी कंफ्यूज अबाउट इट, व्हाट विच इवेंट इज हैपनिंग फर्स्ट और विच इवेंट इज हैपनिंग लेटर ऑन, ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट टू सिंप्लीफाई इट, जस्ट टू अंडरस्टैंड इट बेटर, दैट व्हाट आर द चेंजेस हैपनिंग इनसाइड द ओवरीज एंड व्हाट आर द चेंजेस हैपनिंग इनसाइड द यूटरस, आई हैव कैटेगराइज्ड देम इनटू टू, राइट? सो फर्स्ट इज योर ओवेरियन साइकिल. ओवेरियन साइकिल को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज योर फॉलिकुलर फेज, देन ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज. फर्स्ट इज योर फॉलिकुलर फेज, नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग, जो आपके इमेच्योर फॉलिकल्स हैं, दे आर गोइंग टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन, डेवलपमेंट बाय द एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स. और हॉर्मोन का नाम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, विच इज बीइंग सीक्रेटेड बाय द एंटीरियर रीजन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पोर्शन से जो हॉर्मोन सीक्रेट हो रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, दिस इज गोइंग टू हेल्प इन द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द इमेच्योर फॉलिकल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरीज. First into primary follicles, then secondary follicles, and then finally mature Graafian follicles. And this process is going to last for almost 12 to 13 days. Well, this duration could be varying from individual to individual, depending upon their lifestyle, depending upon the diet they consume. So, ये events जो ये जो आपके जो phases हैं, आपके जो parts हैं, इनको थोड़ा-थोड़ा vary कर सकते हैं. Fine. So next comes your ovulatory phase, which is going to happen on
और मे बी इन द मिडल ऑफ द साइकिल यू कैन से, अगर हम 28 डे साइकिल की उसको एज्यूम कर रहे हैं तो 14th डे पे हमारा एक इवेंट होने वाला है, 14th और 15th डे पे, दैट इज कॉल्ड एज ओवुलेटरी फेज। और ओवुलेटरी फेज में क्या होगा, आपका जो ये ग्राफियन फॉलिकल है दिस इज गोइंग टू गेट बर्स्ट एंड गोइंग टू रिलीज द ओवम एंड द प्रोसेस इज नोन एज ओवुलेशन। आपका ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट हो जाएगा और एक ओवम को रिलीज करेगा, एक मेच्योर ओवम को रिलीज करेगा, एंड दिस ओवम हैज गॉट अ पोटेंशियल टू गेट फर्टिलाइज्ड बाय अ स्पर्म सेल। फाइन, सो दिस इज गोइंग टू टेक प्लेस इनसाइड द ओवुलेटरी फेज। फाइन, मूविंग फर्दर, नेक्स्ट कम्स योर इवेंट कॉल्ड एज ल्यूटियल फेज। ओके, ल्यूटियल फेज, अगेन मैं यही बात कहूंगा, नाम बता रहे हैं आपको कि ल्यूटियल फेज में क्या होने वाला है। वेल, एज द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग, ल्यूटियल फेज के अंदर आपका कॉर्पस ल्यूटियम इज गोइंग टू गेट रिग्रेशन इनटू अ कॉर्पस एल्बिकेंस, और क्या करेगा, टेम्परेरी एंड्रोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा, विच इज गोइंग टू हेल्प इन मेंटेनिंग द थिकनिंग ऑफ यूटराइन वॉल्स। यूट्रस की जो वॉल्स की थिकनिंग है उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा प्रोजेस्टेरोन, राइट? और आपको पता ही प्रोजेस्टेरोन और क्या फंक्शंस करता है। एक मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ छोटा सा, इन विच आई हैव शोन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स एज वेल एज द नंबर ऑफ डेज विच इज हैपनिंग यू कैन से इन दिस पर्टिकुलर साइकिल। सो आप लोग देख सकते हैं कि डे 1 to 13 आई हैव इंडिकेटेड योर फॉलिकुलर फेज, जब आपका फॉलिकल बड़ा हो रहा है, मेच्योर हो रहा है, फाइनली ग्राफियन फॉलिकल जब ये बन जाता है, एक ओवम को रिलीज करता है, द प्रोसेस इज नोन एज ओवुलेशन। और ओवुलेशन के टाइम पे जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो पीक पे होता है, जिसको आप लोग एलएच सर्ज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? एंड आफ्टर दैट आपका ये कॉर्पस यू कैन से आपका ल्यूटियम बनेगा, कॉर्पस एल्बिकेंस बनेगा, एंड फाइनली इसका रिग्रेशन हो जाएगा एंड ऑफ द साइकिल पे। सो दिस इज अबाउट योर ओवेरियन साइकिल। मूविंग फर्दर टू द यूट्राइन साइकिल, की यूट्रस के अंदर क्या इवेंट्स चल रहे होते हैं, अगेन अ रिमाइंडर, साइमल्टेनियसली दीज साइकिल्स आर हैपनिंग। वेल, एवरी मंथ द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर्स इटसेल्फ, फॉर वॉट, फॉर रिसीविंग अ यू कैन से अ फर्टिलाइज्ड ओवम। एक फर्टिलाइज्ड ओवम रिसीव करने के लिए, एक जाइगोट को रिसीव करने के लिए यूट्रस की जो वॉल्स की थिकनिंग है, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग है, इट इंक्रीजेस अप टू 12 to 14 millimeters, इंक्रीज करती है थिकनिंग, और वहाँ पे ब्लड वेसल्स एंड गोज हो जाते हैं, वहाँ पे टिश्यूज एक्यूमुलेट हो जाते हैं, सो दैट दे कैन फॉर्म अ कनेक्शन विद द जाइगोट, इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो जाते हैं। सो लेट्स, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन, सो दैट एंडोमेट्रियल थिकनिंग हैज टू बी वॉश्ड आउट, उसको हमें बाहर यू कैन से रिलीज करना पड़ेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज कॉल्ड एज मेंसेस एज वेल। सो लेट्स हैव अ लुक कि इसके अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं एंड अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। फर्स्ट फेज जिसको आप लोग बोलते हो मेंस्ट्रुअल फेज, जिसको आप मेंसेस भी बोलते हो, मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हो, विच लास्ट फॉर अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 days। Again, this could be varying, this could be fluctuating, maybe for 6 days or maybe for 4 days or 3 days. So first, यहाँ पे होगा क्या, जो female sex hormones है, that is estrogen, उनकी जो concentration यहाँ पे थोड़ी कम होती है, so because of that, the loosening of the uterine walls will take place and that will be broken down and that will be released from the body through the vagina and you can see the process is known as menstruation. जो tissues वहाँ पे accumulate हुए थे, जो uterine walls thick हुई थी वहाँ पे, वो सारी की सारी चीजें फ्लश आउट हो जाएंगी थ्रू द वजाइना, दैट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। सेकंड कम्स प्रोलिफरेटिव फेज, दैट इज फॉर 6 to 13 days, एक हफ्ते का ऑलमोस्ट ये फेज होता है, ऑलमोस्ट 7 days का ये फेज होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपका सेक्स हॉर्मोन्स की जो कॉन्सेंट्रेशन लेस हो गई थी, दैट कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू गेट शूट अप। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी बना रखा है, इन विच यू कैन सी द एस्ट्रोजन इज गोइंग टू गेट इंक्रीज इन द प्रोलिफरेटिव फेज। व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ दिस, ठीक है ना, जैसे ही आपके एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन बढ़ेगी, यू कैन से आपके जो इमेच्योर फॉलिकल्स हैं, दे विल स्टार्ट डेवलपिंग, ठीक है ना। अब एक नया फॉलिकल हमें रेडी करना है, बिकॉज इट हैज टू अगेन रिलीज ओवम, ओवम को दोबारा से रिलीज करना है, सो दैट इज व्हाई वी आर द हार्मोन, द फीडबैक विल बी सेंड टू द न्यू फॉलिकल्स, और आपका एस्ट्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। लास्ट कम्स योर सिक्रीटरी फेज, सिक्रीटरी फेज इज अप्रोक्सीमेटली अ ड्यूरेशन ऑफ 13 to 14 days, जिसको आप लोग यू कैन से पोस्ट ओवुलेटरी फेज भी बोल सकते हो, नॉट पोस्ट ओवुलेटरी फेज, ओके, सिक्रीटरी फेज में देखते हैं क्या होता है। सिक्रीटरी फेज में आपका जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, जिसको आप प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हो, इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, एस्ट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन डाउन होगी और प्रोजेस्टेरोन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी आपकी,
ठीक है. सो व्हाट विल प्रोजेस्टेरोन आएगा कहाँ से, प्रोजेस्टेरोन का सोर्स क्या है आपका, ओवरी से आएगा. सेकंड आपका आता है कॉर्पस ल्यूटियम से, जो वहां पे आपने देखा था कि ग्रैफिन फॉलिकल जब आपका ओवम रिलीज कर देगा तो वहां पे कॉर्पस ल्यूटियम टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा एंड दैट इज गोइंग टू रिलीज द प्रोजेस्टेरोन. एंड क्यों हो रहा है ऐसा, सिक्रेटरी फेज में ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इज दिस इवेंट टेकिंग प्लेस, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग द यूट्रस अगेन फॉर द रिसेप्शन ऑफ अ फ्रेश फर्टिलाइज्ड जायगोट. एवरी मंथ this cycle is going to get repeated. ये cycle हर month ऐसे ही repeat होगी कि every month this uterus is going to prepare, every month a new follicle is going to get developed into an ovum. So this will be happening alternatively. One month let's say left ovary is functional, next month right ovary will be functioning. So in that way alternatively ये ovaries release करते रहते हैं ovum, कब तक, till the time of menopause. जब तक menstrual cycle cease नहीं हो जाती, pause नहीं हो जाती, that comes out to be approximately in the age of 50 to 55 years in females, right? So that was about your reproductive cycle, कि कैसे कैसे क्या क्या events इसके अंदर होते हैं, how the feedback mechanism controls and regulates the cycle. So that is about today, and so enjoy the video, keep subscribing and you know keep liking the videos. Thank you so much guys, and thanks for the feedbacks.